हेलो एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश दिसंबर ऑन द बर्थडे ऑफ फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे भारत के पांचवें प्रधानमंत्री थे, उनके बर्थडे वाले दिन कौन सा डे मनाया जाता है? फार्मर्स डे। तो बताइए उनका बर्थडे कौन से दिन आता है दोस्तों। ऑप्शन है आपके 22, 23, 25 या 21। दोस्तों राइट आंसर है 23 दिसंबर को हर साल इंडिया में फार्मर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। दोस्तों याद रखिए, 21 दिसंबर को विंटर सोलस्टाइस डे होता है, 25 दिसंबर को हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, और इस दिन को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। याद रखिए दोस्तों, गुड गवर्नेंस डे। अगर ये है हमारे दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवीज इंडिजिनियस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर हुज मेडन सी ट्रायल्स वाज कंडक्टेड रिसेंटली। तो ऑप्शंस आपके मर्मुगाओ, ऑप्शन बी है कलिंगा, ऑप्शन सी है अशोका, ऑप्शन डी है कालावेरी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मर्मुगाओ इज द राइट आंसर। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टिल्थ विध्वंसक का क्या नाम है जिसका पहला समुद्री परीक्षण हाल ही में किया गया है? तो याद रखिए मर्मुगाओ। ये उसकी तस्वीर देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैड लॉन्च्ड यूसाकू मायजावा द फर्स्ट प्राइवेट पैसेंजर टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो पहला तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ही बन जाता है कि फर्स्ट प्राइवेट पर्सन कौन है जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ट्रेवल करा है? तो याद रखिए उनका नाम क्या है, यूसाकू मायजावा, और ये जापान के एक बिजनेसमैन है दोस्तों। तो इनको किस स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ले गए थे दोस्तों? ऑप्शन आपके नासा, इसरो, रोस्कोमोस या यूरोपियन स्पेस एजेंसी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रोस्कोमोस, जो कि एक रशिया की एजेंसी है। इसरो आपको पता है इंडिया की एजेंसी है, नासा आपको पता है यूएसए की है, और इन यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपको पता है यूरोप की है। दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, ये हैं यूसाकू मायजावा, ये पहले प्राइवेट पर्सन बने हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रेवल करने वाले। अगला क्वेश्चन है, द वीक फ्रॉम दिसंबर 20 to 25, 2021 वुड बी ऑब्जर्व इन इंडिया एज। तो ये हफ्ता 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक भारत में ये हफ्ता किस रूप में मनाया जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है आपके गुड गवर्नेंस वीक, ऑप्शन बी है एंटी करप्शन वीक, ऑप्शन सी है बैंकिंग अवेयरनेस वीक, या ऑप्शन डी है पंचायती राज वीक। दोस्तों इसका राइट आंसर है गुड गवर्नेंस वीक। मैंने बताया ना 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है, और उसी दिन को हम गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं, तो उसी के लिए ये वीक गुड गवर्नेंस वीक के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडर हाउ मेनी थीम्स द नदी उत्सव 2021 इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो कितनी थीम्स के अंतर्गत भारत में हाल ही में नदी उत्सव मनाया गया है दोस्तों? ऑप्शन आपके दो थीम, तीन, चार या छह। दोस्तों इसका राइट आंसर है फोर थीम्स के अंतर्गत भारत में अभी नदी उत्सव मनाया गया है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों। और ये कब से कब तक हुआ? 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक हुआ है दोस्तों। और ये नदी उत्सव इसलिए मनाया जाता है, आपको पता ही है, नदियों को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑन द ओकेजन ऑफ गोवा लिबरेशन डे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 650 करोड़ रुपीस इन गोवा। तो हाल ही में नेशनल गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करा गया, और गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी के मौके पर गोवा में 650 करोड़ रुपए की बहुत सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। किसने लॉन्च करे हैं दोस्तों? ऑप्शन आपके अमित शाह, प्रमोद सावंत, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करे हैं 650 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हैं, और ये बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अमित शाह आपको पता है ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। कौन होम मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण जी हमारे हैं, ये हमारे हैं फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं।
और गोवा के कैपिटल आपको पता है पणजी है, सीएम मैंने बता दिया है, गोवा के गवर्नर एस श्रीधरन पिल्लई हैं, एस श्रीधरन पिल्लई। याद रखिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और गोवा को किससे लिबरेट करा गया था? पोर्तुगीज से। किससे? पोर्तुगीज से 1961 में। कौन से ऑपरेशन के जरिए? ऑपरेशन विजय के जरिए। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द टैग ऑफ स्टेट फेस्टिवल टू जगन्नाथ रथ यात्रा हैज बीन गिवन बाय व्हिच स्टेट रिसेंटली। तो हाल ही में एक टैग दिया गया है जगन्नाथ यात्रा को, कौन सा टैग? ये स्टेट फेस्टिवल होगा, इसका टैग दिया गया है कि जगन्नाथ रथ यात्रा अब से हमारा स्टेट फेस्टिवल है। तो ये किसने बोला है अभी? पंजाब ने, हरियाणा ने, आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब ने हाल ही में डिक्लेयर करा है कि जगन्नाथ रथ यात्रा हमारा स्टेट फेस्टिवल होगा। कौन सा स्टेट फेस्टिवल? याद रखिए दोस्तों, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं चन्नी जी, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, आंध्र प्रदेश के वाई एस जगन रेड्डी दोस्तों, और तेलंगाना के कौन है दोस्तों? ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों, तेलंगाना के कौन से है? चलिए मैं बता देता हूँ, चंद्रशेखर राव। आप देख सकते हैं दोस्तों, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी, और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित दोस्तों, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट विल लॉन्च फ्री स्मार्टफोन्स योजना ऑन दिसंबर 25। तो 25 दिसंबर को कौन सी राज्य की सरकार स्मार्टफोन योजना लॉन्च करेगी, और ये स्मार्टफोन्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड या आसाम? दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी 25 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, याद रखिए। उत्तराखंड में एक अभी हाल ही में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में रही थी जिसका नाम था सक्तोई, और सक्तोई को अभी इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर कर दिया गया है, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया। नागालैंड ने हाल ही में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, और अब नागालैंड में टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिए। आसाम में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एक स्किल यूनिवर्सिटी सेटअप करी जा रही है, कौन सी दोस्तों? स्किल यूनिवर्सिटी, जिसके लिए लोन किसने दिया? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, याद रखिए दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, और टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रेजुएशन एंड अबव। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। तो हाल ही में भारत का चाइना में राजदूत किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? ऑप्शन से आपके प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन बी है तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन सी है संजय कुमार वर्मा, ऑप्शन डी है डी बी वेंकटेश वर्मा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रदीप कुमार रावत को हाल ही में चाइना में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू हमारे यूएसए यानी अमेरिका में राजदूत हैं। संजय कुमार वर्मा हमारे कहाँ के राजदूत हैं? जापान के दोस्तों। और डी बी वेंकटेश वर्मा हमारे कहाँ के राजदूत हैं? रशिया में। कहाँ पे दोस्तों? रशिया में, याद रखिए। आप देख सकते हैं यह है प्रदीप कुमार रावत जी की फोटो, ये हमारे एनवॉय डिक्लेयर हुए हैं कहाँ के लिए? चाइना के लिए। अगला क्वेश्चन है द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड विच पर्सन एज द सेफ दे मिशन ऑफ द कंट्रीज कंटिजेंट फॉर द अपकमिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने बीजिंग में होने वाले आगामी 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए किस व्यक्ति को देश की टुकड़ी का शेफ डी मिशन नियुक्त किया है? तो ऑप्शन आपके केएल राहुल, नीरज चोपड़ा, हरजिंदर सिंह या मैरी कॉम? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरजिंदर सिंह जी को हाल ही में अपॉइंट किया गया है। नीरज चोपड़ा आपको पता है जेवलिन थ्रोअर हैं दोस्तों। केएल राहुल को अभी साउथ अफ्रीका टूर के लिए वाइस कैप्टन नियुक्त किया गया था, आपको पता है। मैरी कॉम हमारे मणिपुर से बिलोंग करती हैं और ये राज्यसभा में सांसद भी हैं, याद रखिए दोस्तों। आप देख सकते हैं यह उनकी तस्वीर हरजिंदर सिंह की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड दैट मैन्युफैक्चर्स द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाल ही में किसको ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य
कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। ऑप्शन आपके अतुल दिनाकर राणे, ऑप्शन बी है के सिवान, ऑप्शन सी है कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन डी है राहुल कुमार। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब अतुल दिनकर राणे जी को अपॉइंट करा गया है। के सिवान आपको पता है हमारे इसरो के चीफ है, कौन इसरो के चीफ है। कुमार मंगलम बिरला को हाल ही में बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है इंडिया से दोस्तों, इंडिया के बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड का दिया गया है दोस्तों इनको। आप देख सकते हैं अतुल कुमार अतुल दिनकर राणे जी का फोटो दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के फाउंडर दोस्तों ए शिवथानु पिल्लई हैं दोस्तों। ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड फाउंडेड कब हुआ था दोस्तों, 22 फरवरी 1998 में। और ब्रह्मोस एयरस्पेस लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हु हैज अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग इन एयर इंडिया बाय टेलेस प्राइवेट लिमिटेड अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ टाटा सन्स। तो हाल ही में टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एयर इंडिया में शेयर धारिता के अधिग्रहण को किसने मंजूरी दी है। ऑप्शन आपके मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मंजूरी दी है, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मंजूरी दी है, या आरबीआई ने, या ऑप्शन डी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेयर होल्डिंग की अभी मंजूरी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मिनिस्टर हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को तो आपको बता ही दिया मैंने, निर्मला सीतारमण। आरबीआई के गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास। और आरबीआई का स्थापित हुआ था 1935 में, कौन से एक्ट के जरिए, 1934 वाले एक्ट के जरिए दोस्तों, याद रखिए। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में मिलेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिए, देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज एम्पैनल्ड एज द बैंकिंग पार्टनर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद एन एम टू ऑफर इट्स सर्विसेज टू एम्प्लॉइज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ कौन सी बैंक ने कोलैबोरेट करा एक तरीके से, ताकि महाराष्ट्र के जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो कौन सी बैंक ने ये अभी एम्पैनल्ड करा दोस्तों। ऑप्शन आपके पीएनबी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, या ऑप्शन डी कर्नाटका बैंक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी महाराष्ट्र सरकार के साथ कोलैबोरेट करा है, याद रखिए दोस्तों। पीएनबी पे अभी हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और आईसीआईसीआई पे दोनों पे इररेगुलरिटीज को लेकर फाइन लगाया था दोस्तों, फाइन लगाया था। कर्नाटका बैंक भीम यूपीआई के जरिए सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाला भी बैंक बना था, याद रखिए दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कब फाउंड हुई थी दोस्तों, 2016 में। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको चेन्नई तमिलनाडु में मिलेंगे दोस्तों। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है दोस्तों, वासुदेवन पथंगी सिम्हान। और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है, इट्स फन बैंकिंग, क्या, इट्स फन बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर द सेंटर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज क्रॉस्ड डैश करोड़ मार्क। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत भारत में कितने अकाउंट्स खुल चुके हैं एक तरीके से बताना है आपको, 44 करोड़, 50 करोड़, 55 करोड़, या 34 करोड़। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 44 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए। आपको पता है दोस्तों ये योजना 2000 कब लॉन्च हुई थी, 2014 में लॉन्च हुई थी, अगस्त 2014 में, याद रखिए दोस्तों, ताकि सभी को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके। अगला क्वेश्चन है विच कॉर्पोरेट टॉप्ड द 2021 व्हिस्की न्यूज स्कोर रैंकिंग एज द इंडियाज मोस्ट विजिबल कॉर्पोरेट इन द मीडिया। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो व्हिस्की ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसके जरिए भारत की वो कौन सा कॉर्पोरेट है जो सबसे ज्यादा मीडिया में छाया हुआ है, मीडिया में छाया हुआ है। ऑप्शन आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी भारतीय एयरटेल, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी इंफोसिस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा विजिबल है किसमें, मीडिया में। सेकंड नंबर पे कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड नंबर पे कौन सा विजिबल है, ये भारतीय एयरटेल। और फोर्थ नंबर पे इंफोसिस, याद रखिए दोस्तों। अगर मैं वर्ल्ड वाइड पूछूं, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कौन सा
मीडिया में छाया रहता है तो वो कौन सा होगा दोस्तों, फेसबुक पे। कौन? फेसबुक सबसे ज्यादा मीडिया पे छाया रहता है, उसके बाद गूगल आता है। क्या रहे? कौन? गूगल से अल्फाबेट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट बैक्स फर्स्ट पोजिशन अमंग द मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट बाय कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट को कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडियन इंडस्ट्री द्वारा सबसे इनोवेटिव इंस्टीट्यूट जारी किया का अवार्ड दिया गया दोस्तों? ऑप्शन है आपके IIT रुड़की, ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT मुंबई, ऑप्शन डी है IIT मद्रास। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, IIT रुड़की ने मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूट का टैग हासिल किया है। IIT दिल्ली ने अभी आपको पता है ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए 90 सेकेंड्स में डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया था, याद रखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन अलोंग विद 5 अदर्स पीपल। तो हाल ही में वो कौन सा भारतीय प्लेयर है जिसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का एक मेंबर चुना गया है 5 मेंबर्स में से? तो टोटल 5 मेंबर्स होंगे, एक जिसमें से इंडिया में से भी है, तो वो इंडिया वाला कौन पर्सन है दोस्तों? ऑप्शन है आपके PV सिंधु, ऑप्शन बी है साइना नेहवाल, ऑप्शन सी है श्रीकांत किदांबी, ऑप्शन डी है पुलेला गोपीचंद। दोस्तों इसका राइट आंसर है PV सिंधु को हाल ही में ये मेंबर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन का एक मेंबर चुना गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और दूसरे कौन कौन से मेंबर्स हैं दोस्तों? इरिस वांग ये USA से हैं, रॉबिन टेबलिंग ये न्यूजीलैंड से हैं, ये ग्रेसिया INA से हैं, किम सियोंग कोरिया से हैं, और पुसरुला PV सिंधु इंडिया से हैं दोस्तों, याद रखिए। अगला है, इंडिया ऑब्जर्व्स द नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर सिंस 2012। तो 2012 से भारत नेशनल मैथमेटिक्स डे कौन से दिन सेलिब्रेट करता है? ऑप्शन है आपके 20 दिसंबर, ऑप्शन बी 21, 22 दिसंबर या 19 दिसंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को हम हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है 20 दिसंबर को इंटरनेशनल सॉलिडारिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, 21 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है दोस्तों, 22 दिसंबर का तो आपको बता ही दिया नेशनल मैथमेटिक्स डे, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और 19 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, 19 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, कौन सा दिन? और दोस्तों 22 दिसंबर को क्यों हम नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन हम जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे एक मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे था, इस वजह से हम लोग हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं 22 दिसंबर को। इनकी नेशनल श्रीनिवास रामानुजन का 32 साल की उम्र में ही देहांत हो गया था दोस्तों, और इनके ऊपर 2015 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।